भाई Vivo V15 Pro लॉन्च कर दिया है Vivo ने इंडिया में और इस फोन के बारे में काफी हाइप चल रही है। इसकी अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं और आज हम करेंगे भाई इसके प्रोसेसर का टेस्ट, खेलेंगे इस पे PUBG, देखेंगे कैसा है PUBG परफॉर्मेंस और ये फोन PUBG के लिए सही है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई Vivo V15 Pro है सक्सेसर Vivo V11 Pro का और Vivo V11 Pro में हमें मिलता था Snapdragon का 660 प्रोसेसर, 25,000 के अराउंड वो फ़ोन लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन है उसका सक्सेसर, इसमें हमें मिल रहा है Snapdragon का 675 चिपसेट, जो कि एक नया चिपसेट है और काफ़ी केपेबल परफॉर्मर है। अगर मैं आपको इसके टेक्निकल डिटेल्स बताऊं तो इसमें आपको मिलते हैं भाई दो हाई पावर कोर्स जो क्लॉक्ड हैं 2 GHz पे और 6 हैं पावर एफिशिएंट कोर्स जो क्लॉक्ड हैं 1.7 GHz पे। साथ में आपको मिल जाता है भाई एड्रीनो का 612 GPU, मतलब वो भी काफ़ी सही GPU है और अंदर आपको 6 GB रैम मिल रही है, 128 GB स्टोरेज मिल रही है। भाई ऑन पेपर काफ़ी लोडेड है फ़ोन। गीकबेंच टेस्ट हम इस पर रन करके देख चुके हैं, आपने देखा है कि इसका जो सिंगल कोर स्कोर है मल्टी कोर स्कोर है दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, मतलब स्नैपड्रैगन 660, किरिन 710, इन सबको ही थोड़ा पीछे छोड़ देता है जो इसका सिंगल कोर स्कोर है मल्टी कोर स्कोर है उसमें। तो भाई आज चलो करके देखते हैं PUBG टेस्ट और देखते हैं कि PUBG परफॉर्मेंस कैसा है इस फोन पे एक्चुअली। तो PUBG मैंने इंस्टॉल कर लिया है, देखते हैं पहले PUBG का लोडिंग टाइम देखते हैं। अगर मैं पीछे की सारी ऐप्स बंद कर देता हूं एक बार, तो भाई चलिए PUBG स्टार्ट करके देखते हैं कि लोड कितनी देर में होता है। और ये भाई लोड हो गया है PUBG, तो आपने देखा कि लोडिंग टाइम काफ़ी कम लगा है फ़ोन को। और जब मैंने पहली बार PUBG स्टार्ट किया था तो भाई इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो होती हैं हाई ग्राफिक्स की। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई डिफ़ॉल्ट क्या सेटिंग्स हैं। तो भाई HD ग्राफिक्स चूज़ किया है, हाई फ्रेम रेट चूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि अगर आप बाकी किसी मिड रेंज फ़ोन पे आप खेलोगे तो भाई बैलेंस्ड पे रहता है ग्राफिक्स हमेशा और फ्रेम रेट भी मीडियम पे रहता है, बट इसमें इसने ऑटोमेटिकली HD और हाई चूज़ किया है और मतलब अल्ट्रा HD तक का ऑप्शन दे रहा है इस फ़ोन में। तो आप समझ सकते हो कि जो इसका GPU है, जो इसका CPU है, वो काफ़ी पावरफुल है मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से। चलिए अब एक बार खेल के देखते हैं एक्चुअली कि भाई खेलने में कैसा लग रहा है। मैं आपको इनिशियल इंप्रेशंस बताऊं तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ग्राफिक्स और अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे मिड रेंज फ़ोन टेस्ट किए हैं, गैलेक्सी M20, गैलेक्सी M10 ये सब आ रहे थे और स्नैपड्रैगन 660 वाले Zenfone Max Pro M2 वगैरह टेस्ट किए हैं, तो उनसे कंपैरिजन अगर मैं करूं तो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं इसमें ग्राफिक्स। और जैसा कि आपको याद होगा HD ग्राफिक्स पे थे और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और स्मूथ भी लग रहा है, मतलब अभी तक तो बिल्कुल स्टटर नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ा खेल के देखते हैं कैसा लगेगा ये।
तो भाई अगर मैं आपको स्ट्रेट अवे बताऊं तो भाई काफ़ी अच्छा चल रहा है PUBG इस पर, और मैंने फ्रैंकली इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था मिड रेंज चिपसेट से, बट काफ़ी अच्छा चल रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैगशिप वाली मैं कह सकता हूं कि मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है। अभी तक कोई स्टटर नहीं मिला है मुझे, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहा है, और ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपको PUBG खेलने का आप पे सोच रहे थे इस फ़ोन पे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मतलब PUBG एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट ये फ़ोन बहुत अच्छा देने ही वाला है आपको। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लग रही है इसके बारे में, कि कभी कभी मेरे टचेज़ रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी आप देखें कि मैं अभी इसको घुमाना चाह रहा हूँ, ये घूम नहीं रहा है, तो ये बीच बीच में हो रहा है। और शूटिंग के टाइम में मुझे बीच में एक दो बार ऐसा फील हुआ कि मैंने बटन दबाया और वो रजिस्टर नहीं हुआ, बट ये आई थिंक फिज़िकल इशू लग रहा है मुझे कुछ, इंस्टेड ऑफ फ़ोन का इशू। ओ चल गया। हाँ तो भाई ये कुछ बीच बीच में एक आध हिकअप मुझे देखने को मिला है, मुझे समझ नहीं आया है कि ये फ़ोन की गलती है या फिर मेरे से कुछ हुआ। कुछ कहीं कहीं पे भाई डेफिनेटली स्क्रीन में मुझे टच में कुछ इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। और देखिए अभी दोबारा से ये अनरिस्पॉन्सिव हो गया है यहाँ पे स्क्रीन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी समझ नहीं आई हैं कि क्यों हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्रॉस चल रहा है, बट यहाँ पे मैं ऐसे वो नहीं कर पा रहा हूँ एक बार में। फिर से अब चल गया है। तो भाई ये कुछ थोड़े बहुत मुझे टच के इश्यूज लग रहे हैं, बट होपफुली ये शायद स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से हो सकते हैं जो ऊपर से वीवो ने लगा के दिया है। और फ़ोन के अंदर वैसे मुझे कोई इशू नहीं मिला है, मतलब परफॉर्मेंस अभी तक काफ़ी अच्छा है। मेरे को 15-20 मिनट हो चुके हैं खेलते हुए, और फ़ोन में अभी तक मुझे कुछ स्टटर नहीं देखने को मिला है, कुछ लैग नहीं देखने को मिला है। चलिए एक बार ग्राफिक्स चेंज करके देखते हैं, ग्राफिक्स को एक बार मैं और मैं यहाँ पे ग्राफिक्स, आप देखेंगे मैं यहाँ पे ग्राफिक्स हाई करने वाला था, जैसे ही मैंने HDR पे क्लिक किया तो ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन योर डिवाइस सून लिखा आ गया है, और अल्ट्रा HD पे भी कमिंग सून लिखा आ गया है। तो बेसिकली अभी जो सेटिंग्स पे चल रहा है ये HD और हाई फ्रेम रेट वो हाईएस्ट है जिस पे ये चल सकता है। तो भाई ये था Vivo V15 Pro की PUBG परफॉर्मेंस पे एक छोटा सा टेस्ट। भाई PUBG परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस फ़ोन की, तो कहना पड़ेगा कि ये जो Snapdragon 675 प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक, और मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा पावरफुल है। अब देखना होगा कि ये ओवर टाइम ये कैसे हैंडल करता है, और थोड़ी से मैं इसको और फुल रिव्यू करूँगा तो पता चलेंगी कि जो इसकी बाकी चीज़ें हैं डे टू डे परफॉर्मेंस है उसमें हमें कुछ हिकअप्स देखने को तो नहीं मिलते हैं। बट अभी के लिए तो भाई अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो और आपको एक डाउट है कि भाई PUBG इस पर अच्छा चलेगा या नहीं, PUBG कैसा चलेगा, तो भाई वो डाउट आप निकाल दो। परफॉर्मर काफ़ी अच्छा है ये, और काफ़ी अच्छा चिपसेट लग रहा है मुझे ये। बट अभी के लिए अगर आपके मन में डाउट था कि भाई इसमें PUBG कैसा चलेगा और PUBG सस्टेन कर पाएगा या नहीं, PUBG परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो भाई वो सारे डाउट्स आप निकाल दो। PUBG परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस फ़ोन पे, और ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे। तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हो तो भाई डेफिनेटली आप इसे ख़रीद सकते हो। मतलब अभी तक मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस फ़ोन की PUBG परफॉर्मेंस, और मैं जाता हूँ तब तक ये मैच कम्प्लीट करता हूँ। चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप मुझे बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है, और आप किस फ़ोन के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो। मैं उस फ़ोन के साथ कंपैरिजन ज़रूर करूँगा इसका। आने वाले दिनों में हम कुछ और फ़ोन से कंपेयर करेंगे इसको, देखेंगे कि भाई कैसा परफॉर्म करता है ये अगेंस्ट अदर फोन्स। बट ये है अभी के लिए भाई PUBG परफॉर्मेंस Vivo V15 Pro की, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक। चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं करता हूँ ये गेम ख़त्म, बाय।